हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद कर दी है। ये उन नेताओं के लिए थी जो आपातकाल के दौरान जेल गए थे। पूर्व की जयराम सरकार ने प्रदेश के 700 के करीब नेताओं को पेंशन देने के लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना शुरू की थी। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसे बंद करने का फैसला लिया था। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर अब निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बताया है। कांग्रेस ही हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने वाली संस्था रही है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। और उसके बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को जेल में परिवर्तित कर दिया, यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी, लाखों लोगों को जेलों के सीक्सों के पीछे जो है बंद कर दिया। यहाँ पर जो है जिस प्रकार का तशद्दुद हुआ, जिस प्रकार का जो है वो प्रेस का गला घोंटा गया, प्रेस को जो है वो समाप्त कर दिया, कोई खबर आप नहीं दे सकते थे। जैसे आप मेरे से रिएक्शन पूछ रहे हैं, ना आप पूछ सकते थे ना मैं बोल सकता था उसमें। तो उसमें जो है वो हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों के पीछे भी रहे, और उसके साथ साथ जो है वो उन पर पुलिस के अत्याचार भी हुए, और साथ में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो वीरगति को भी प्राप्त हुए थे। उसमें जिन लोगों ने सफ़र किया था उनके लिए सारे देश के बहुत सारी सरकारों में जो है वो लोकतंत्र प्रहरी जो है वो कानून बने हुए हैं, और वहाँ पर वो सम्मान निधि देते हैं। उसी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी लोकतंत्र प्रहरी जो है वो पहले पॉलिसी बनाई गई थी, फिर उसमें जो है वो कानून बनाया, और जब वो कानून बनाया गया तब कोई इनका जो है वो विरोध नहीं था विधानसभा में। ये बड़ी संख्या में थे विधानसभा में उस वक्त, लेकिन उसमें जो है वो कोई विरोध उस वक्त जो है वो उसमें उन्होंने किया नहीं। लेकिन आज जो है वो क्योंकि लोगों का ध्यान बटाने के लिए अपनी जो है वो इनकी जो कारगुजारी है, आज जिस प्रकार से इन्होंने गारंटियाँ दी हैं और उन गारंटियों को पूरा करने की इनमें जो है वो ना तो हिम्मत है ना ही इनमें वो दिमाग है कि कैसे उनको पूरा करेंगे। तो इसलिए लोकतंत्र प्रहरी अधिनियम जो है वो समाप्त करने का इन्होंने जो निर्णय लिया है उससे मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा लोकतंत्र के विरोधी हैं, इसलिए ये काम भी इनका लोकतंत्र विरोधी ही काम है।